मत कर यकीन इन हाथ की लकीरों पर तकदीर तो उनकी भी होती है जिनकी तकदीर में हाथ नहीं होते मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है यही जीवन का सत्य है एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता बिना गिरे बच्चा चलना नहीं सीख पाता पूरी जिंदगी हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों से भी सकारात्मकता खोज लेते हैं और तमाम अड़चनों के बावजूद अपने ख्वाबों को मुकम्मल करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं विनर्स विथ रविंद गौतम खूब सारी क्षमताएं हमें भटका देती हैं लेकिन एक अक्षमता हमें और भी ज़्यादा फोकस बना देती है ऐसा मानना है राजेश जैन और सीए दिनेश गुप्ता का बड़े सपने देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती और ना उन सपनों को पूरा करने के लिए आंखों की जरूरत होती है सीए दिनेश गुप्ता और राजेश जैन ने साल 2004 में शुरुआत की जी सेवन कंप्यूटर्स बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की राजेश जैन जन्म से ही दिव्यांग हैं लेकिन दिव्यांग वो सिर्फ आंखों से हैं क्योंकि उनकी सोच हम नेत्र वालों से कहीं ऊंची और दूरदर्शी है राजेश ने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी बना लिया मात्र 19 साल की उम्र में राजेश जैन ने सी दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में बिजनेस करने का कदम उठाया शुरुआत से ही अकाउंटिंग में रुचि और टेक्नोलॉजी के शौक के चलते राजेश जैन ने ईआरपी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बिजनेस को शुरू करने की सोची सीए दिनेश गुप्ता ने राजेश जैन में काम के प्रति एक जुनून देखा और शुरुआत की जी सेवन की और आज देश भर में इनके बीस हजार से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं जिन्हें जी सेवन कस्टमाइज ई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदान करता है और भारत के अलावा दुबई मिडिल ईस्ट और सिंगापुर जैसे देशों में भी इनकी अच्छी खासी क्लाइंटेल है दिनेश जी और राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास धन्यवाद आपने हमको संवाद करने के लिए बुलाया बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे दिनेश जी सबसे पहले आई हुई शख्सियतियों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपके सफर का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे हुआ और आप दोनों लोगों को देख के लाइक एज डिफ्रेंस भी बहुत है आप लोगों का किस तरह से वेंचर की शुरुआत हुई आपने राजेश जी में ऐसा क्या खास देखा कि जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मैं राजेश के साथ इस तरह का वेंचर शुरू कर सकता हूँ देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैंने श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करके सी ए पूरी की सतासी में उसके बाद मैं दस साल प्रैक्टिस की फिर मैं फर्नीचर के व्यापार में चला गया तो फिर दस साल के बाद काफ़ी साल के बाद मेरे को करने के लिए लगाया कि मैं सी ए प्रोफेशन से तो बिल्कुल अलग हो गया हूँ तो मैंने उसी से संबंधित एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का था कि भाई हम उसके शुरुआत करेंगे तो राजेश के कज़न भाई थे जिनका नाम राजीव था उनके साथ हमने एक बी खोलने की सोची जिसमें हम अकाउंटिंग सर्विसेज पूरे संसार में देंगे तो उससे मेरे को लगा कि हमारा जो मेरा सी प्रोफेशन है जो मेरा उससे मैं टच में रहूँगा खाली मैं फर्नीचर के व्यापार में रह के उसको भूल नहीं जाऊँगा तो हमने शुरू की वो कंपनी और उसमें राजेश भी अपने कज़न के साथ आते थे तो ऐसा इस इतफाक़ हुआ कि वो राजेश के जो कज़न थे उनको अमेरिका में कोई अपॉर्चुनिटी मिली वो वहाँ शिफ्ट हो गए तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम उस कंपनी को बंद कर देते मगर तभी कुछ दिन बाद राजेश ने कहा मैं उनकी जगह अगर इस कंपनी को ज्वाइन कर लूँ तो कैसा रहेगा तो मेरे को उससे उनके कॉन्फिडेंस और उनके उत्साह को देखते हुए बहुत खुशी हुई और मैंने तुरंत आ कर दी तो फिर हम राजेश और हमने ये सफ़र शुरू किया और उसका बहुत ही अच्छा अंजाम निकला है आज हमारी कंपनी करीब चौदह पंद्रह साल से चल रही है और उसमें बहुत ही सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं और हमारे हजारों क्लाइंटेल को हम सेवाएं दे रहे हैं ई आर पी सोल्यूशंस के और उनको व्यापार बढ़ाने में हमारा योगदान है तो मेरे को बहुत खुशी है हमने वो सफ़र शुरू किया जब राजेश के साथ आपने ये काम शुरू किया उसमें ऐसी क्या खास बात लगी किस हौस या सिर्फ आपने हौसले को इनको देखा कि नहीं इनके अंदर हौसला है तो ये काम कर सकते हैं या आपने एक रिस्क लिया कि मैं करके देखता हूँ नहीं ऐसा मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया इनके अंदर मैंने देखा है कि जैसे ये करीब उस टाइम अठारह साल के थे लगभग जी तो अट्ठारह साल के हिसाब से इनका मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा था इन्होंने स्कूलिंग कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नहीं ली कोई जैसे लोग आजकल सोचते हैं मैं अमेरिका भेज दें बच्चों को इन्होंने कुछ भी नहीं था ये मात्र दसवीं कक्षा पास थे मगर इनके अंदर मेच्योरिटी लेवल और जो इनकी क्लियर थिंकिंग उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और जो इनका इंटेलेक्ट था तो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरे को कुछ ऐसा एक ईश्वर की एक संदेश आया कि ये बहुत सफल रहेंगे और मैंने कोई रिस्क नहीं लिया इनके साथ हमने काम शुरू किया बहुत कम पूंजी से किया और वो काम बहुत सफल रहा इन्होंने बिल्कुल एकाग्र होके और ये काम हमने बिल्कुल इनके हिसाब से फोकस करके हमने ये शुरू किया मेरे को हमेशा पता था कि मैंने अपने फर्नीचर के व्यापार पर ही फोकस करना है तो ये पूरा इन्होंने ही मैनेजिंग डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इसको शुरू किया और आज तक ये उस पोजीशन पर हैं आप अभी कितना समय देते हैं इस व्यापार में मैं डेली इसमें करीब एक घंटा देता हूँ और बाकी उसमें मैं एग्जीक्यूटिव रोल में कहीं नहीं हूँ एग्जीक्यूटिव सारी राजेश देखते हैं और सबसे खुशी की बात है केवल एग्जीक्यूटिव रोल नहीं देखते ये उसमें एक्चुअल सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं राजेश आपने इतनी कम उम्र यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 19 साल की उम्र में ये हौसला आपके अंदर कहाँ से आया क्या आपको कमी नहीं खली कि मेरे अंदर ये कमी ईश्वर ने दी है क्या चैलेंज आपने लिया कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ जबकि जैसे अभी दिनेश जी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ दसवीं पास थे दसवीं पास होने के बावजूद आपने सोचा कि मैं सॉफ्टवेयर का बिज़नेस चला सकता हूँ तो और आपने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी बेसिकली ऐसा था कि ऑफ़िस ज्वाइन करने से पहले और स्कूल पूरा करने के बाद मैंने घर पे अकाउंटिंग की किताबें पढ़ी थी और कंप्यूटर सीखा था तो वो दोनों बेसिकली कंबाइन हो गई जब मैंने जी सेवन ज्वाइन किया जी सेवन के थोड़ा बहुत जो डे टू डे अकाउंटिंग थी वो भी मैं देखता था तो फिर सडनली राजीव अमेरिका शिफ्ट हो गए उसके बाद ये लगा कि भाई अब जी सेवन का क्या होगा अगर बंद होती है तो वो भी अच्छा नहीं है कि भाई हम आएँ और कंपनी बंद हो वो अच्छी बात नहीं है तो फिर मैंने दिनेश जी से डिस्कस किया और मैंने उनको ये कोशिश की कि वो मतलब मेरे को ये चलाने दें और इस पर हम मतलब अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट लगाऊँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस दिनेश जी का होल हार्टड सपोर्ट अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी की नॉलेज इन सब चीज़ों की वजह से तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आया और फिर मैंने काम शुरू किया तो जैसे बताया अभी दिनेश जी ने कि आप सिर्फ और सिर्फ टेंथ पास थे तो जो टेक्नोलॉजी आपने सीखी यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्योंकि अभी दिनेश जी ने भी बताया कि आप सॉफ्टवेयर खुद भी डेवलप करते हैं ठीक है जब आपका एक प्रॉपर विजन नहीं है तो वो कैसे कर पाते हैं सारा चीज़ दसवीं पास करने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो दसवीं तक ही था तो मेरे पास दो ऑप्शन था या तो मैं नया स्कूल ज्वाइन करता जो मेरे को लगता था कि शायद मैं करूँगा तो मेरे को उसमें सेट होने में फिर टाइम लगेगा और दूसरा ऑप्शन ये था कि जब राजीव ने कंपनी शुरू करी तो मैंने कहा चलो जी यहाँ पे स्कूल जाने से अच्छा तो यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो फिर मुझे समझ में आया कि जो काम करते करते हम सीख जाएंगे वो कोई सा स्कूल वो चीज़ नहीं सिखाएगा तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं वो हम चीज़ों को एब्जॉर्व कर पाते हैं अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं तो शायद पहले थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद हम उस तरह से प्रैक्टिकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में बिल्कुल जी अब जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सिखाया ही दसवीं के बाद जाता है जी जबकि मेरे हिसाब से हर आदमी को अकाउंटिंग आनी जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा पार्ट है चाहे वो अपना बिजनेस चलाए चाहे वो कहीं पे जॉब करे अकाउंटिंग उसको आना ही चाहिए राजेश जब आपने भी शुरुआत की थी तो तब क्या आपने ऐसा सोचा था कि मैं कुछ सालों के बाद इस कंपनी को मैं यहाँ इतने बड़े मुकाम पे लाके खड़ा कर दूंगा देखिए हमने काम करते हुए तो कुछ नहीं सोचा कि हम कहाँ पहुँचेंगे या कहाँ नहीं पहुँचेंगे उस वक्त एक्चुअली कुछ सोचने का नहीं था उस वक्त सिर्फ करने का था तो अगर जो सोचते तो शायद कुछ कर नहीं पाते हम करते चले गए काम होता चला गया दिनेश जी हम अक्सर देखते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में नॉर्मली एक सिमिलर एज ग्रुप के होते हैं एटलीस्ट शुरुआत जब होती तो एक सिमिलर एज ग्रुप की होती बट राजेश के साथ में एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंस है हाँ जी ये ऑलमोस्ट मेरे से हाफ उम्र का है मेरे को इस बात की खुशी है कि कभी भी हमने उम्र हमारे आड़े नहीं आई हमने हमेशा बिल्कुल समांतर तरीके से आपस में ये सफ़र जारी रखा कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया मैं अपनी उम्र के कारण इस पर हावी हुआ और इसने भी ऐसा नहीं किया कि इसने कभी श्रद्धा में कमी रखी तो हमने बिल्कुल इसको एक समंतर और बिल्कुल इक्वलिटी पर हमने ये बिज़नेस चलाया और मेरा हमेशा फ़ोकस ये था कि मैं जो भी डिसीजन्स हों जो भी मोटिवेशन हो इसको ऐसा प्रतीत होना चाहिए ये काम मैंने किया तो पहले 18 साल की उम्र से मैंने इसके हाथ में बैटन दी थी मैं इसको पीछे रहता था और इसके इसको हमेशा और इसके इसके अंदर एक खास बात थी ये अपने जो हमारे उद्देश्य थे उनको उनसे कभी भटका नहीं आज ये अपनी जो भी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनको ये और हार्नेस करता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है उसकी तरफ बिना देखे काम करता है जैसे अपने मस्तिष्क में उसका एक ये इमेजिंग क्रिएट करता है जो जो पीनियल ग्लैंड है उस पर ये सारी काम करता है और उसी में ये उसी को अपने अंदर ही समाहित करके एक सॉफ्टवेयर बना देता है अब जैसे कोई भी इसके पास मोबाइल में मैसेज आता है तो इसका ये बिल्कुल स्वायत्तता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उसमें इसने एक सॉफ्टवेयर डाल रखा है कि वो इसका मैसेज पढ़ के इसको सुना दे। मैं जब इनसे मिला राजेश तो जैसे मैं इनके केबिन में गया ये उठ के खड़े हुए मेरा, मेरा इन्होंने स्वागत किया तो इनसे मिलने के बाद फिर ये मोबाइल पे आईफोन पे वो फ़ोन लगा रहे थे कर रहे थे तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि इनकी डिसेबिलिटी कहाँ पे है मैं समझ ही नहीं पाया तो मैं बिल्कुल दिखा कि तो कैपेबल आदमी है और ज़्यादा कैपेबल है इन्होंने कभी भी ऐसा जाहिर नहीं दिया या सेल्फ पिटी नहीं की अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइंट्स की उन कई क्लाइंट्स ने एक जैसे मेरे को एक एग्ज़ाम्पल याद है एक इलेक्ट्रिकल गुड्स का डीलर था कहता है जब मैं आपसे हमने ईयर्स पी लिया था मेरा कंपनी का मात्र दस करोड़ का टर्न था और कहता मेरा ढाई करोड़ का टर्न है राजेश मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आज की डेट में हर व्यक्ति हर युवा चाहता है कि वो जो भी काम करे उसमें सफल हो उसका हर प्रोजेक्ट सफलता पाए लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उसे क्या ऐसा खास करना चाहिए जिससे वो आप जैसा सफल हो सके मेरा मानना यह है कि हम चाहे कुछ भी करें चाहे कारोबार करें या कोई ऐसी पर्सनल विश जिसको हम अपनी पर्सनल लाइफ में अचीव करना चाहते हो दोनों ही चीज़ों के लिए एक ही चीज़ चाहिए वो है राइट गोल और दूसरा है जी फोकस उसको अप, आ, गोल को अचीव करने के लिए अगर हमारे पास फोकस होगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ पाई जा सकती है फोकस के साथ सही चीज़ कि हम जो अपने दिमाग में रख रहे हैं सही चीज़ रख रहे हैं तो फोकस और सही चीज़ अगर हम दोनों इकट्ठे लेके चलते हैं ऑब्वियसली भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ही उसके बिना तो कुछ नहीं होगा तो वो सब चीजें मिलके ही एक सक्सेस बनती है मतलब फोकस होना चाहिए और जो आपका गोल है वो राइट होना चाहिए गोल सही होना चाहिए जैसे मेरा मानना है कि अगर हम अपना उद्देश्य जीवन का एक निर्धारित कर लें और उस उद्देश्य को हम लक्ष्यों में बांट लें और फिर उन लक्ष्यों के ऊपर हम बिल्कुल निर्विघ्न चलें ऐसे नहीं कि हम उसमें डाइवर्ट हो जाए इसमें सक्सेस नहीं मिल रही तो हम चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं हम एक ही रास्ते पर हम चले हमने ई आर पी सोल्यूशन पर फोकस किया और हमने शुरू में एक दो साल हमको उसमें कठिनाई भी आई मगर हम उसमें चलते गए मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई गोल लिया है तो उस पर कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप डेफिनेटली डेविएट हो जाएंगे और भटक जाएंगे छोटा सा एक्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं ट्रैफ़िक में ज़रा सा जैम लग गया तो लोग इधर गए उधर गए उधर गए तो पता लगा उधर वाली इधर वाली लेन चल गई तो ये हो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तो ये एक राजेश के अंदर बहुत ही मेच्योरिटी थी इसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर ये अडिक चला और उसने बहुत ही परिश्रम किया इसमें और सफलता के लिए जो हमारी संस्कृति में बहुत सारे उपाय हैं वो हमने सभी अपनाए दिनेश जी मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में ऐसा लगता है कि बिज़नेस करना इंडिया में बहुत आसान हो गया है जिस वक्त आपने बिज़नेस किया था तब ज़्यादा कठिन था या तब ज़्यादा आसान था या आज है क्योंकि आज मुझे लगता है आज इतने नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं इतने नए नए आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे देती है लोन्स प्रोवाइड कर देती है उस वक्त जिस वक्त अगर हम 15-20 साल पुरानी बातें करते हैं तो उस वक्त इतने जल्दी आसानी से लोन्स अवेलेबल नहीं थे ठीक है आज लोन्स तो अवेलेबल हैं ही इसके साथ साथ वेंचर कैपिटलिस्ट भी मार्केट में आ गए हैं जो प्राइवेट इक्विटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा लगता है आज ईजी हो गया है आपका इस बारे में क्या ख्याल है देखिए मेरा बिल्कुल पक्का मानना है कि आज से पंद्रह बीस साल पहले बिज़नेस करना बहुत ईजी था जैसे हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो लगभग ना के बराबर पूंजी से किया और आजकल कोई भी बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बड़ा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो उसके लिए फिर आपने जैसे सही कहा कि वेंचर कैपिटलिस्ट हैं गवर्नमेंट के लोन्स हैं मगर हमारा पहले के टाइम में एक भारत एक ग्रोइंग स्टेज पर था तो उस वक़्त बिजनेस करना काफ़ी आसान था दिनेश जी जैसे आपने राजेश को मौका दिया जो भी इनकी काबिलियत देखी वैसा दिया ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है अगर आपके पास ऐसा ही कोई और युवा आए तो क्या आप उसे मौका देने के लिए तैयार हैं देखिए मौका कोई भी किसी को नहीं देता मैंने भी राजेश को कोई मौका नहीं दिया ये इसका कॉन्फिडेंस था जो इसने एक मेरे को अप्रोच किया कि जी राजीव के साथ मैं आऊँगा तो जब मैंने इसका कॉन्फिडेंस देखा तो मैं फिर इसके साथ सफ़र के लिए चला ये इनका संकल्प था कि मैं उसके लिए बंदित हुआ इनके साथ चलने के लिए तो ये मैं उसको अपने को कोई क्रेडिट नहीं देता ये इनका संकल्प शक्ति थी और इनका जुनून था कि मैंने एक सफल होना है तो उसके साथ मैं इनके साथ चल पड़ा तो हमने इस बिज़नेस को बिल्कुल हमने कहा इसको हम एक तरह से रिबेलियन की तरह चलाएंगे इसको ऐसा नहीं चलाएंगे नॉर्मल वे में नॉर्मल प्रैक्टिस है तो इसमें हमारे कोई भी फैमिली का इंटरफेरेंस नहीं था तो हमने अपने आपस में जैसे हमको समझ में आया इसको हमने बिल्कुल उस तरीके से चलाया दिनेश जी मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ आगे फर्दर और आपकी कंपनी के या आपके क्या विज़न है आप किस और सेक्टर में जाना चाहते हैं या अगर हम डिजिटल की ही बात करें डिजिटल मीडियम की ही बात करें इसमें आप और क्या क्या करना चाहते हैं ऐसा कोई आपका विज़न है भी कि मैं ये करना चाहता हूँ जिससे आप भारत को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके देखिए अभी हमारा जो नेक्स्ट विजन है कि ई आर अभी लैपटॉप तक सीमित है तो हम इसको स्मार्टफोन्स में लाना चाहते हैं कि अभी स्मार्टफोन सभी के पास अवेलेबल हैं फील्ड स्टाफ है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके पास है तो हम ये चाहते हैं कि जो ईआरपी सॉल्यूशंस और स्मार्टफोन्स का कम्युनिकेशन बढ़े जिससे कि हमारे अकाउंटिंग में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में और ज़्यादा मोबिलिटी आए तो आदमी अपनी और लाइफ को फुलफिलिंग तरीके से जी सकता है ये नहीं कि वो अपने ऑफिस के डेस्कटॉप पर बंधा है बिज़नेस करने के लिए तो उस दिशा में हम कार्यरत हैं राजेश ने उसमें काफ़ी आगे अग्रसर है दिनेश जी आज का युवा बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है उसको सब चीजें फटाफट चाहिए जैसे मैं हमेशा प्रश्न करता हूँ पूछता हूँ जानना चाहता हूँ कि कोई भी युवा आप देखते हैं कभी स्विच करता है जो हम बात कर रहे थे कि लेन बदलता है कंसिस्टेंसी नहीं रखता है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में अपने मुकाम को अपने लक्ष्य को हासिल कर सके सफल हो सके जो बिजनेस के उद्देश्य हैं वो एक आजकल बहुत एक कॉन्सेप्ट चला हुए स्मार्ट गोल्स का उसमें है कि हमारा जो भी हम बिज़नेस के उद्देश्य हैं जीवन के उद्देश्य हैं वो हम लिखित में रखें उसको हम स्पेसिफिक लिखें और उसका किसी को उसको विटनेस कराएं कि भाई हम उससे उससे हम पद भ्रष्ट नहीं होंगे उससे हम डेविएट नहीं होंगे फिर हम जो भी गोल लिखें वो मेजरेबल हों जैसे स्मार्ट गोल्स हैं एस एम ए आर टी तो इसमें पांच हम जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें उसमें स्मार्ट गोल्स लिखें उसके वो गोल स्पेसिफिक होने चाहिए मेजरेबल होने चाहिए असाइनेबल होनी चाहिए रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए मैं एक प्रोफेसर से मिला था आई के उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कहते हैं स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हमने ये देखना है कि क्या करना है हम जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से हम ऑप्शन को कुछ को काटें फिर जो ऑप्शन बचे उसकी तरफ आगे बढ़ें हाँ बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी बात आपने की भाई जो स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हमें क्या करना है बल्कि स्ट्रैटेजी ये है कि हमें क्या क्या नहीं करना है ऑप्शंस बहुत हैं अब पांच रस्ते हैं जाने के तो हमने पहले एक हम रस्तों को बंद करें या ना खोजें कि किससे जाना है तो जो आखिरी में बचे उसमें फिर पूरे अपने पूरे परिश्रम और पूरे पूरे से लग जाए उसके साथ निकल जाएँ तो हमने अपने देखने की हमारी शॉर्ट एनालिसिस किया व्हाट इज़ अवर स्ट्रेंथ व्हाट इज़ अवर वीकनेस व्हाट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी व्हाट इज़ अवर थ्रेट तो इस शॉर्ट एनालिसिस के बिना कोई बिजनेस तीसरा एक जो गोल है वो है टाइम मैनेजमेंट जिसकी टाइम मैनेजमेंट है आज दिन बहुत छोटा है काम बहुत है तो हमने अपने जो अगर हम पूरा समय अपने जो गोल हैं उसकी तरफ लगाएंगे तो ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब जो भी गोल्स हैं टाइम बाउंड होने चाहिए मेजरेबल फिर होने वो चाहिए सालाना अपने वो बनाए रियलिस्टिक होने चाहिए उसी के वजह से हम पहुंच सकते हैं आपने बिल्कुल सही बात कही है राजेश मैं आपसे सक्सेस मंत्रा जानना चाहता हूँ हमारे युवा दोस्तों के लिए कि आप उनको क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहते हैं दिनेश जी से तो हमने जान लिया देखिए सक्सेस मंत्रा कोई नहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी हमने डिसाइड किया कि हमको ये करना है उसके ऊपर फोकस वही एक सक्सेस मंत्रा है अगर हम जो भी काम कर रहे हैं चाहे हम ट्रेडिंग करें चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग करें चाहे हम सर्विसेज करें अगर हमारा फोकस उसी तरफ है जो काम हमने करने के लिए आ, मतलब ठाना है कि मेरे को ये करना है तभी वो काम हो सकता है शुरू में फेलियर्स आएंगे उससे अगर डर जाएंगे तो गोल कभी अचीव नहीं होगा अधिकतर दिक्कत क्या होती है कि लोग अपना गोल ही चेंज कर लेते हैं अरे ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस फेल होते हैं बट जो करना है उस पर हम क्लियर रहें और उस पर फोकस रहें तो काम होता है आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम फोकस होते हैं और तो काम होता है और गोल्स को चेंज नहीं करते हैं तो भी काम होता है यानी कि गोल अगर हमें जब बनाना है तो सोच समझ के एक बार बनाना है कि गोल हमें एटलीस्ट बनाना क्या है हमें जाना कहाँ है जयपुर जाना है या चंडीगढ़ जाना है मैं इसमें एक बात ऐड करूँगा जी कि बिजनेस कोई भी नया एंटरप्रीन्योर है उसको अपनी सुबह की डेली टू डू लिस्ट जरूर बनानी चाहिए तो वो उसी से दिन अपना शुरू करे उसके बिना वो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले क्योंकि और जो डेली टू डू लिस्ट है उसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक वीकली एक्शन प्लान होना चाहिए कि हमको ये पता हो कि इस हफ्ते में हमने क्या क्या चीज़ करनी है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स कर ली है या शॉर्ट टर्म काम होते हैं ऐसे वीकली एक्शन प्लान के बाद हमारा क्वार्टरली टारगेट जरूर होना चाहिए जैसे हर कॉरपोरेट में आज जैसे जे एफ एम होता है जनवरी फरवरी मार्च फिर अप्रैल मई जून ए ऐसे चार क्वार्टर हैं वो क्वार्टरली टारगेट्स होने चाहिए और ईयरली हमारे फॉरकास्ट होने चाहिए बहुत सही आपने कहा दिनेश जी और राजेश जी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स डेफिनेटली इससे सीखेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप कि जो भी गोल्स हैं जो भी विजन्स हैं उनको पूरा करें और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें यही हम ईश्वर से कामना करते हैं आप दोनों के लिए धन्यवाद तो दोस्तों ये आपने देखा कि डिसेबिलिटी भी सक्सेस पाने से रोक नहीं सकती यदि आपके अंदर हौसला है सोहन लाल द्विवेदी जी की एक कविता है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा इस कविता में छिपी जीवन की सच्चाई हमें डट कर अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देती है खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो छू सकते हो नभ के तारे अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में अगर आपकी कहानी में भी है दम और आप आना चाहते हैं हमारे शो पर एक विनर बनकर और बताना चाहते हैं अपनी कहानी दुनिया को अभी टाइप कीजिए विनर्स स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए दिए गए नंबर पर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक विनर की प्रेरक कहानी के साथ नमस्ते